नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के चलते देश में मकानों की बिक्री 66% कम हुई। कोरोना के चलते सभी क्षेत्रों में मंदी का माहौल है। यह स्थिति देश भर में मकानों की बिक्री में भी बनी हुई है। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में मकानों की बिक्री 66% की गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में 9 शीर्ष शहरों में किए गए अध्ययन और सर्वे के आधार पर पता चला कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 6,28,051 हाउसिंग यूनिट की बिक्री हुई। वहीं तीसरी तिमाही में यह संख्या 2,12,094 यूनिट रह गई है। भारत की शीर्ष रियल एस्टेट डाटा रिसर्च एवं विश्लेषण फर्म प्रॉप इक्विटी की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री में कमी का मुख्य कारण कोरोना महामारी के नियंत्रण के चलते देश भर में लॉकडाउन को लेकर प्रतिबंध लगाना पाया गया था। आर्थिक गतिविधियों में कमी होने से लोगों की आय घटी है। इसी अवधि में हाउसिंग यूनिट के नए लॉन्च में भी 81% की कमी देखने को मिली है। पहली तिमाही में जहाँ 6,35,035 यूनिट लॉन्च किए गए थे, वहीं दूसरी तिमाही में यह संख्या घटकर 1,79,1960 यूनिट रह गई है। देश में जिन शहरों में यह अध्ययन किया गया है उनमें नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, ठाणे, कोलकाता और पुणे शामिल है। इन शहरों में दूसरी तिमाही में नए लॉन्च में क्रमशः 80% और 40% और 92% और 80% ये घटौती हुई है। ज़्यादातर नए लॉन्च मई महीने के तीसरे सप्ताह में किया गया, जिसमें प्रतिबंधों में थोड़ी ढील हुई है। आइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो जो भारत न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़।